हाय गाइस, सो मेरा नाम अनु सहानी है एंड मेरा यूट्यूब पे फर्स्ट ब्लॉग बना रही हूँ। तो जैसा कि कल संडे है, संडे के दिन सारे कॉलेज स्कूल बंद होते हैं, बट मेरी लाइफ में अभी फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ मेरे साथ कि संडे के दिन भी एग्ज़ाम है और मेरा इस बार बीकॉम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर है और कल फर्स्ट एग्ज़ाम है, मतलब पहला पेपर है। तो संडे के दिन है और पेपर जो है फूड न्यूट्रिशन का है, ऑप्शनली आएगा ये सब। तो फिर अभी कुछ तैयारी तो नहीं है, कैसा होगा कैसा नहीं होगा पेपर। अभी रात का टाइम पूरा बचा हुआ है, समझ में नहीं मैं क्या याद करूं। फिर भी मैंने कुछ सोच रखा है कि मैं ये याद करूंगी और वहाँ अच्छे से एग्ज़ाम दे के आऊँगी MCQ, और आई होप एग्ज़ाम अच्छा हो, प्रे महादेव साथ देते हैं। तो फिर अभी अभी तो क्या ही बताऊँ, क्या याद करूँ क्या ना करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो जैसे कि मैं अभी जा रही हूँ कुछ टाइम, 1 से 2 घंटे फ़ोन में यूट्यूब से देखना है मुझे कैसे क्या कुछ तैयारी करना है, क्योंकि ना मेरे पास गाइड है इस सब्जेक्ट का, ना ही मैंने कोई नोट्स बनाया है। ग्रुप में जो नोट्स आए हैं टीचर्स और कुछ क्लासमेट्स के हैं मेरे भेजे हैं, उन्होंने उसे ही रीड करना है और कुछ यूट्यूब से सर्च करके, तो मैं वो सब रीड करूँगी, ध्यान से दिमाग में फिट करना है। और फिर से उसमें से अगर क्वेश्चन आते हैं तब तो अच्छी बात है, अच्छे से याद रहेगा, लगा लेंगे टिक। जो नहीं आते हैं तो वो कहावत है ना, गेम अक्कड़ पक्कड़ मम्मी, वो करना है, टिक लगाना है महादेव का नाम लेके। तो फ्रेंड्स, फिर अभी मैं जा रही हूँ, 2 घंटे पढ़ाई करूँगी, बट उससे पहले, पढ़ाई करने से पहले डिनर करना है मुझे, क्योंकि मैं पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी करती हूँ। फिनो पेमेंट बैंक का एक मिनी ब्रांच है वहाँ पे, जहाँ बैंक के सारे काम होते हैं, कैश डिपॉजिट, विड्रॉल, ट्रांसफ़र एंड अकाउंट ओपनिंग, और भी बहुत सारे ऑनलाइन काम होते हैं वहाँ पे, जहाँ मैं कम से कम, मेरी टाइमिंग है 10 से शाम 7 बजे तक, तो 7 बजे मैं वहाँ से निकलती हूँ, घर आती हूँ, रास्ते में कम से कम 10-15 मिनट लगते हैं मुझे। फिर वहाँ पर मैं पूरा टाइम काम करती हूँ, थक ही रहती हूँ, घर पर आने में तो मैं थक जाती हूँ। तो फिर पढ़ने लिखने का तो कोई मन नहीं करता है, बट अब क्या करूँ, एग्ज़ाम आ गया, अभी कल है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना बैक पेपर लगेगा, फिर लोगों के ताने सुनना, ये पसंद नहीं है मुझे। तो मुझे पूरी रात भी जागनी पड़ी, तो मैं जागूंगी, अच्छे से तैयारी करूंगी और एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है मुझे किसी भी तरीके से। तो फिर जैसे मैं अभी मम्मी बना रही है डिनर, तैयार होता है खाऊंगी, थोड़ा 10-15 मिनट फोन वोन चलाना कुछ भी करूंगी, और इसके बाद मैं स्टडी करना स्टार्ट करूंगी। और 2 घंटे मैक्सिमम, ज़्यादा पढ़ना भी नहीं चाहिए, ज़्यादा क्योंकि इतना भी ना पढ़ो, पढ़ाई करने का स्मार्ट तरीके होने चाहिए कि कम टाइम में काम ज़्यादा, पढ़ाई ज़्यादा हो। तो मेरे कुछ टिप्स हैं, उससे पढ़ना है मुझे, तो फिर मैं 2 घंटे लूँगी पढ़ाई के लिए। अब ज़रूरी नहीं कि घड़ी में देख के बैठूँगी, आज इतने बजे मैं पढ़ने बैठ रही हूँ, इतने बजे उठना है, मतलब पढ़ने बैठ जाऊँगी फिर टाइम जितना भी लग जाए। एनीवे, तो फिर उसके बाद मैं पढ़ाई करूँगी, फिर 2-3 घंटे का स्लीप, उसके बाद फिर मैं अलार्म लगाऊँगी। उनसे मैं डेली अलार्म लगाती हूँ, उठती नहीं हूँ, बंद करके मैं सो जाती हूँ जब भी अलार्म बजता है। आज मुझे उठना है और फिर से स्टडी करना है। और जैसा कि मेरा जो पेपर का टाइमिंग है 8 से 11 बजे तक है, तो मुझे घर से 1 घंटे पहले निकलना है 7 बजे। और ठंडी का टाइम इतना ज़्यादा कोहरा होता है ना, मतलब सीट इतना गिरते कि दिखता नहीं मॉर्निंग में, उसमें पास की ज़्यादातर दूर की चीज़ दिखती नहीं है, समझिए आप लोग सब जानते होंगे। तो फिर अभी देखिए बहुत ठंड है, कल मैं 7 बजे सो के उठती हूँ और जहाँ कि मुझे कल 7 बजे घर से निकलना है रेडी होके। तो फिर अभी कुछ टाइम बाद देखिए, तो कल कैसा होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा, एग्ज़ाम एंड पूरा मैं एग्ज़ाम कॉलेज तक का इसमें रहेगा इस ब्लॉग में वीडियो मेरा।
मेरा फर्स्ट ब्लॉग है एंड प्लीज़ सपोर्ट मी एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा प्लीज़। तो अभी मैं कुछ टाइम बाद आपको दिखाती हूँ मैं जहाँ स्टडी करती हूँ किस टाइप से, इसमें तो मतलब बहुत अच्छे से मैं उस टेबल को मेंटेन करके रखती हूँ, बट इस समय कुछ भी नहीं है ऐसा, ये जॉब पढ़ाई घर के बहुत कुछ टेंशन क्या ही बताऊँ। फिर तो अभी कुछ देर के लिए चलिए अभी दिखाती हूँ मैं अपना स्टडी कैसे करना है मुझे। ओके सो गाइस मैंने डिनर कर लिया है फाइनली, अभी मैं 10-15 मिनट हो भी गया मुझे डिनर किए हुए। जैसे कि मैंने बोला था आपको मैं अपना स्टडी टेबल दिखाऊंगी। ओके तो चलिए मैं अपना स्टडी टेबल दिखाती हूँ आपको। इसमें तो मैं वहाँ स्टडी नहीं करती बैठ के, काफ़ी टाइम हो गया मुझे, तो फिर लेट्स गो। ये गाइस मेरा स्टडी टेबल है जहाँ पे मैंने ये मेरे कुछ बुक्स हैं और ये मेरा बैग है जो मैं कॉलेज लेके जाती हूँ, बस इतना ही कुछ है अभी टेबल पे। तो मैं अभी जा रही हूँ स्टडी करने, आई थिंक अभी तो 10:10 हो रहे हैं, तो फिर अभी देखिए स्टडी करने जाते कितना टाइम लगता है मुझे। फिर उसके बाद मुझे सोना भी है कुछ 1-2-3 घंटे, उसके बाद फिर मैं उठूँगी। सब बोलते हैं कि 4 बजे के टाइम पढ़ाई करने से दिमाग में घुसता है और सबसे बेस्ट टाइम होता है वो, उस टाइम मैं उठूँगी और थोड़ा रीड करूँगी। उसके बाद से फिर मुझे रेडी भी होना है, 7 बजे निकलना भी है, तो फिर चलते हैं स्टडी करने। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रात में आई थिंक मैं 4 बजे उठी थी और मैंने स्टडी किया, उसके बाद से रेडी भी हो चुकी हूँ अब कॉलेज जाने के लिए। बस अभी 10 मिनट में मैं निकल रही हूँ घर से कॉलेज के लिए। फिर कॉलेज पहुँचने पे देखिए क्या होता है, अभी तो मेरा फर्स्ट टाइम है इस बार उस कॉलेज में, कॉलेज भी न्यू है मेरे लिए, तो अभी मैं चाय पी रही हूँ निकलने से पहले, फिर अभी कॉलेज पर मिलते हैं। हाय गाइस, अभी आप देख सकते हैं हम रास्ते में, मेरे फ्रेंड्स भी हैं और कॉलेज जा रहे हैं हम लोग। गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं कॉलेज में, आप लोग देख सकते हैं। सो अब एग्ज़ाम देने जा रहे हैं हम लोग, मेरा ब्लॉग कंप्लीट हुआ, बाय। हाय फ्रेंड्स, एग्ज़ाम मेरा ख़त्म हो चुका है, अभी हम घर जाने वाले हैं। ये देखिए हमारा कॉलेज और ये मेरे कुछ फ्रेंड लोग हैं, देखिए देखिए सब बिजी हैं। ये अभी हम निकलने वाले हैं इस गेट से घर के लिए और मेरा ब्लॉग शाम 6 बजे YouTube पे पोस्ट होगा और आप लोग ढेर सारा कमेंट करिए।